बाहर की दुनिया से एक बेहद खास मेहमान को बुलाया। हेलो मैम, यू डोंट नो मी, इट्स योर मीटिंग। नो मैम, आई एम बिग 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 फैन। यहाँ आने के लिए मैंने कहा कि पहले आके मैं पहले ये करूंगी। क्या किया मैंने? रियल क्वींस फिक्स ईच अदर्स क्राउन्स। रिमेंबर दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। अंग्रेजी में एक कहावत है, विथ इनफ करेज यू कैन डू विदाउट अ रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन होती क्या है? कि जो दुनिया आपके बारे में सोचती है। कैरेक्टर ये है जो आप होते हैं। दुनिया पहले अपने आप को खुद जान ले, फिर आपके बारे में कुछ कहे। फिर मैंने आपका एक एपिसोड देखा जहाँ पे आप वो टॉर्चर टास्क आपने एक चैम्पियन की तरह निभाया, और उसके बाद में देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी दैट केम योर वे, और आपने बहुत ग्रेस के साथ में उसे झेला और मेरा खून खोला वो देख के। तो दैट आई फाउंड वेरी सैड। मेरा दिल आपके साथ क्यों जुड़ गया? क्योंकि आपके उस फाइट के बीच में भी जब बहुत बहुत वाहियात चीज़ें कही जा रही थी आपको, तभी एक औरत एक दूसरी औरत को एक डांसर बुलाती है जी मैम, उसे छोटा दिखाने के लिए। इट्स अ डिसर्विस टू ऑल विमेन एवरीवेयर। मगर उसके बावजूद आपने अपना हाथ बढ़ाया ईशा की तरफ और आपने कहा कि ईशा, व्हाट हैपेंड टू अस? हम इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं? यू पुट योर हैंड आउट, योर हैंड वाज स्लैप्ड अवे। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी है, बी योरसेल्फ, डोंट वरी कि लोग क्या कहेंगे। लोग का काम है कहना। ब्रेस योरसेल्फ के सुनामी ऑफ लव कंबाइंड विद सुनामी ऑफ हेट आपकी तरफ आने वाला है। यू कांट हैव वन विदाउट द अदर।